सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन, दिस इज दीप एंड यू आर वॉचिंग मिलियन राइट्स। आज का जो व्लॉग होगा वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत छोटा और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज का जो व्लॉग है वो हैंडल बार को लेके ही है, और मेरा जो बुलेट 350 है, स्टैंडर्ड 350, उसका हैंडल बार मैं बेसिकली चेंज करना चाह रहा हूँ। बहुत लोगों का सजेशन भी लिया, कुछ रिव्यूज भी देखा, कुछ मेरा सब्सक्राइबर से इंस्टाग्राम में भी बातचीत हुआ, उन लोगों का यूजर रिव्यू भी मुझे मिला। तो उसके बाद सब कुछ देख के मैं एक हैंडल बार ऑर्डर किया था, और उसका प्राइस, कहाँ से ऑर्डर किया, कैसा है, सब इस ब्लॉग में आप लोगों को मैं शेयर करने वाला हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे मेरा ऑर्डर तो आ चुका है, कहाँ से लिया हूँ वो मैं उसी टाइम जब अनबॉक्सिंग होगा तभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अनबॉक्सिंग के बाद हम लोग मेरा जो स्टॉक हैंडल बार लगा हुआ है उसको चेंज करेंगे, और नया जो हैंडल बार है वो उसका कंफर्ट कैसा है, उसका मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो रिव्यू है, वो मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। व्लॉग देखते रहो। तो ये है मेरा हैंडल बार, ऑब्वियसली ये पैकेट के अंदर है, तो इसको चलो इसको काटते हैं। ये है आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का हैंडल बार, जिसका ऑफिस और फैक्ट्री आप बोल सकते हो बैंगलोर में है, कर्नाटका, और वहीं से ये आया है। आने में यार बहुत दिन लग गया। वैसे आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का हैंडल बार का मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब यूज़र रिव्यू मिला था थ्रू इंस्टाग्राम, कुछ सब्सक्राइबर से, कुछ दोस्तों से, तब जाके मैं ऑर्डर किया था। तो ऑर्डर करने का दो दिन में ये शिपिंग हो गया था, लेकिन डिलीवरी में बहुत ज़्यादा डिले हुआ है, और डिलीवरी पार्टनर है डिलीवरी, ये इसका नाम ही है डिलीवरी जो पार्टनर है। चलो एनीवेज इसको काट के देखते हैं क्या है, थोड़ा ऑपरेशन करते हैं इसका। सो दिस इज द हैंडल बार, और यहाँ पे देख लो इसका बिल्ड। अच्छा एक सेकंड, मैं इसका प्लास्टिक हटा देता हूँ, नहीं तो आपको बिल्ड क्वालिटी और पेंटिंग का जो क्वालिटी है वो पता नहीं चलेगा। सो द पॉस्चर विल बी लाइक दिस। क्वालिटी जो है यार बहुत ही ज़्यादा स्टेबल लग रहा है मुझे, बेटर देन द स्टॉक हैंडल बार। पेंट का क्वालिटी आप देख लो, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक आपको आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का लोगो, मतलब स्टिकर दिख रहा है, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो ये लगाने के बाद बाइक का जो वाइब्रेशन है वो थोड़ा हद तक घटेगा, शायद रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि दूसरा जितना लोगों से मेरा बात हुआ है उन लोगों का भी कहना है कि भाई वाइब्रेशन जो है थोड़ा सा घटा है। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इसको लगाने के लिए, तो चलो वेट ना करके इसको लगाते हैं पहले। यहाँ पे एक लोकल मैकेनिक है जिसके पास से मैं बाइक सर्विसिंग कराया था, तो वहीं पे चलते हैं, तो इसको लगा लेते हैं, उसके बाद फिर आपको मैं बताता हूँ कि कैसे ऑर्डर करना पड़ेगा, कहाँ से करना पड़ेगा, वेबसाइट रिलायबल है या ऐप के थ्रू करना है, सब कुछ बताऊंगा इंक्लूडिंग द प्राइस। और लगाने के बाद मुझे कैसा लग रहा है, मतलब कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से अगर सोचा जाए कि कैसा है, आप ले सकते हो कि नहीं, इससे बैक पेन घटेगा या नहीं घटेगा, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। चलो लगाते हैं पहले इसको। ये देखो ले लिया हैंडल बार, और अभी बाइक को करते हैं स्टार्ट। आज बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई, चलो चलो निकलते हैं भाई। मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, मतलब ग्लव्स पहन रहा हूँ ना, मुझे टिक, मतलब मुझे लिटरली फीलिंग नहीं हो रहा है कि मैं ग्लव्स पहन के चला रहा हूँ बाइक। चलो अब पहुँच गए हैं, देखते हैं इनसे बात करते हैं क्या है। भैया कहाँ है? हाँ तो फोन करो ना एक बार, वो हैंडल बार लाए थे वो लगाना है। हाँ चलो थोड़ा सा वेट कर लो, दिखाता हूँ आपको। फिलहाल ये भाई अभी जस्ट, क्योंकि दुकान खुला है, दुकान जस्ट खुला है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 5-10 मिनट, तो ये हो जाए उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये चेंज हो रहा है। आप लोग देखते रहो ब्लॉग। अब इसका पोजीशन थोड़ा देखना होगा ना। ये देखो नया हैंडल बार लग रहा है अभी। चलो ये लगभग लग गया है, और थोड़ा काम बाकी है, मिरर लगाएगा और थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा हैंडल बार को। तो चलो दिखाते हैं आपको कंप्लीट होने के बाद।
काम हो गया कंप्लीट। अब देखो ऐसा लुक आ रहा है यहाँ से, अब चलाने के बाद ही पता चलेगा कि इसका कंफर्टेबिलिटी कैसा है, कंफर्टेबल है या नहीं। सामने से भी एक बार देख लो आप कैसा लग रहा है। यहाँ पे आपको दिखेगा आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का एक स्टिकर लगा हुआ है, और ये है विकास भाई जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया मेरा हैंडल बार लगाने के लिए, थोड़ा हाई कर दो। और ये है भैया दीपचंद जी, दीपचंद बुलेट ये दुकान का नाम है, और काफ़ी अच्छा काम मुझे लगा है आपका, आपके यहाँ से मैं सर्विसिंग भी लास्ट टाइम किया था तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और आपका दुकान कहाँ पे है और क्या क्या काम आप करते हो, कितना दिन से दुकान चला रहे हो, थोड़ा बता दो व्यूअर्स के लिए। सर 2000 से ये दुकान है यहाँ, और न्यू सांगानेर रोड रजतपथ मानसरोवर बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने दीपचंद बुलेट के नाम से है ये दुकान। 20 साल हो गए। 20 साल। क्या क्या काम आप लोग करते हो? सिर्फ बुलेट का काम होता है, चाहे कोई भी बाइक, मतलब नया BS6। बिल्कुल कोई भी हो, BS6 हिमालयन, कोई भी रॉयल एनफील्ड का बाइक का आप काम करते हो। पार्ट्स मिलता है क्या आपका यहाँ पे? पार्ट्स भी मिलता है, कंपनी से भी अरेंज कर लेते हैं और डीलर से भी अरेंज कर लेते हैं, और इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ मिल जाता है। चलो तो काम तो हो गया भाई, अब देखना है कि आपको थोड़ा रिव्यू भी देना है कि चला के कैसा लग रहा है हैंडल बार के साथ। वैसे भैया कैसा लगा हैंडल बार, आपको क्या लग रहा है? सर एक तो लुक में भी बहुत अच्छा है, हाँ, और कंफर्टेबल तो होता ही होता है। चलो तो देखते हैं, चला के देखने से थोड़ा पता चलेगा। चलो और ये फिर से GoPro हेलमेट में माउंट कर लेते हैं। तो ये रास्ता है 15-16 किलोमीटर, तो चलो आपको रिव्यू देते हुए जाते हैं, मिलते हैं GoPro में। चलो अब इसको करते हैं टेस्ट। कंफर्टेबल तो है भाई, तो इसका जो पोजीशन है थोड़ा सा मतलब इस तरफ है, और हैंडल बार में मतलब बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं है, एकदम सही लग रहा है मुझे। थोड़ा सा हाइट मुझे लग रहा है इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसका जो सिटिंग जो पोस्चर है थोड़ा ब्रॉड भी है। तो चलो सामने एक फ्लाईओवर है, वहाँ पे चलाने के बाद थोड़ा कंफर्टेबिलिटी इसका समझ में आएगा। तो चलो आप लोग देखते रहो, मिलते हैं फिर। चलो तो ये आ गया एक फ्लाईओवर, और यही फ्लाईओवर से मैं डेली ऑफिस आना जाना करता हूँ, तो मेरा पर डे 40 किलोमीटर के आसपास बाइक में चला लेता हूँ। तो इसीलिए सोच रहा था कि थोड़ा एक अच्छा ब्रॉड वाला हैंडल बार मिल जाए जो कि थोड़ा कंफर्टेबल रहे। ये जो रॉड दिया हुआ है इससे थोड़ा हद तक मुझे लग रहा है कि वाइब्रेशन रिड्यूस हुआ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा हुआ है। और मुझे ये लग रहा है पोजीशन जो है ना इसका ऑफ रोडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये इंस्टॉल करने से पहले मैं यूट्यूब में जितने भी रिव्यूज़ देखा था वो काफ़ी अच्छा था, और इसीलिए ये मैं चॉइस किया। और लगाने के बाद मुझे लग रहा है कि सही में मैं सही हैंडल बार ही चॉइस किया, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी लग रहा है। और ये हैंडल बार मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इसको लगा सकते हो। और लगाने के लिए कहाँ पे लगाना है सब कुछ मैं बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। चलो आप लोग देखते रहो, आगे फिर बात करते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, बहुत ही छोटा था, और क्योंकि ये मैं बहुत दिन से प्लान कर रहा था, और मेरा जो एक्सपीरियंस है, देखिए कुछ भी सामान जब हम लोग खरीदते हैं तो कहीं पे थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, किसी से बात करते हैं, और मेरे जैसा आप लोग भी हो शायद एक अच्छा हैंडल बार का खोज में हो, तो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन चाहे मतलब जितना भी छोटा हो या कुछ हो लेकिन आप लोगों से शेयर करना बनता है। और इसका प्राइस भी मुझे सही लगा, इस रेंज में ऐसा हैंडल बार जो स्टेबलिंग मतलब जो इसका स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। अब इसका जो मतलब लॉन्ग राइड का जो एक्सपीरियंस है वो मैं अपना जो नेक्स्ट राइड होने वाला है उसमें मैं आपको देने वाला हूँ। और इसका प्राइस के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपको, प्राइस जो है इसका 1900 है, और मुझे जयपुर में क्योंकि ये बैंगलोर से आ रहा है, मतलब चाहे आप कहीं पर भी मंगाओ, शिपिंग लेके मतलब शिपिंग का जो चार्ज है दैट इज़ 245 या 250 ऐसा कुछ है, तो टोटल मुझे पड़ा है 2145 जो कि मुझे लग रहा है क्वालिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, रिजनेबल है। देखिए थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड आप बोल सकते हो, ओवर प्राइस्ड इन द सेंस जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन में 500-600 का हैंडल बार मिल जाता है उसका मुझे आइडिया नहीं है कि कितना हद तक वो ऑफ रोडिंग में या थोड़ा टफ टेरेन में झेल पाता होगा या नहीं हुआ हैंडल बार, लेकिन ये जो हैंडल बार है
दिस इज अ ट्रस्टवर्दी कंपनी। इसका मैं वीडियो देखा हूँ, इसका रिव्यू देखा हूँ, मैं बहुत रिसर्च करके लिया हूँ ये जो हैंडल बार में लिया हूँ। तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। वेबसाइट जो इनका है कि कैसे आपको लेना है, कोई ऐप या वैसा कुछ नहीं है, आपको वेबसाइट से जाके इनका जो पेज है आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स, आप गूगल में लिखिएगा तो आपको दिखाई देगा। मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ जो वेबसाइट है उसका लिंक। वेबसाइट में जाने के बाद बेसिकली आपको मैन्युफैक्चरर का जो नाम है वो देखना पड़ेगा। अगर आपका रॉयल एनफील्ड का है या KTM का है या कुछ भी दूसरा कंपनी का है तो वहाँ पे, जैसे मेरा रॉयल एनफील्ड का है तो मैं रॉयल एनफील्ड जब सिलेक्ट किया उसके बाद फिर मॉडल्स आ गया। क्लासिक है, क्लासिक 350-500, स्टैंडर्ड 350-500, तो स्टैंडर्ड के लिए मैं यूज़ किया, मतलब स्टैंडर्ड के लिए मैं लिया ऑब्वियसली। तो उस हिसाब से आपको वेबसाइट में जाने से आपको बाइक का कंपनी और बाइक का मॉडल नंबर आप सिलेक्ट कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा कि उस बाइक के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशंस अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ हैंडल बार नहीं है, बहुत कुछ एक्सेसरीज मिलेगा आपको। तो आप एक बार देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार चेकआउट कर लो इसको कि क्या क्या है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल। अगर आप लोग नए देख रहे हो मेरा चैनल में देख लो, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा वीडियो है, अच्छा कंटेंट बनाता हूँ तो आप सब्सक्राइब करो। पहले मैं हर फ्राइडे वीडियो अपलोड करता था, लेकिन अभी मेरा थोड़ा यहाँ आने के बाद टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो गया है। मेरा काम का प्रेशर भी है तो उस हिसाब से मैं जब भी टाइम मिलता है मुझे तब मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। आई होप कि बहुत जल्द मिल रहे हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अच्छे रहिए। और कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी सजेशंस, कोई भी फीडबैक कमेंट करके बताना। बाकी बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक सब लोग अच्छे रहो, स्वस्थ रहो।